इसका वास्तव में कितना कटअप जाएगा 67वीं पीटी का, ये कोई नहीं जानता है, बीपीएससी के चेयरमैन भी नहीं जानते हैं। तो अभी तक बीपीएससी के इतिहास में 100 से ऊपर कटअप कभी नहीं गया है। से मेंस की तैयारी कीजिए, आप इधर उधर समय बर्बाद मत कीजिए। यूट्यूबर है उनका काम है, क्योंकि उनको तो और कोई काम है नहीं, उनको तो व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो 10 तरह की खबर चलाएंगे, भर्ती में कटअप को लेकर 10 बार वीडियो डालेंगे, उनका तो व्यूज जाएगा, पैसा आएगा, आपको क्या आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। 30 सितंबर को बीपीएससी पीटी का एग्जाम समाप्त हो गया, हमने भी दिखाया जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं क्या कटअप रह सकता है। सभी यह कहना है कि 100 के आसपास कटअप रहेगा। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप जो हैं वो काफ़ी नाराज हैं वैसे यूट्यूबरों से, जो कि रोज़ कट ऑफ को लेकर अलग अलग बातें कर रहे हैं और छात्र दिग्भ्रमित हो रहे हैं और दिनों भर अपना कट ऑफ मिलाने में लगा रहे हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर यह भी चल रहा है कि 68वीं में पैटर्न चेंज होगा, सी सेट आ जाएगा। इन सब को लेकर छात्र नेता दिलीप ने काफ़ी नाराजगी जाहिर की है। क्या कहा है दिलीप ने, सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 67वीं बीपीएससी पीटी कटअप और 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में पैटर्न चेंजिंग को लेकर बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं 67वीं बीपीएससी पीटी की। तो कटअप इसका कितना जाएगा ये कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट, और जो भी बातें मार्केट में चल रही है, विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर चल रही है, उन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इससे आपका बेवजह कीमती समय जो आपका है वो बर्बाद हो रहा है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, जब से पीटी परीक्षा संपन्न हुई है तब से तरह तरह की बातें आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों की परेशानी को समझ रहा हूँ। इसका वास्तव में कितना कटअप जाएगा 67वीं पीटी का, ये कोई नहीं जानता है, बीपीएससी के चेयरमैन भी नहीं जानते हैं, तो फिर कोई यूट्यूबर या कोई शिक्षक कैसे जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले जो एक परीक्षाएं हुई हैं, पिछली परीक्षाएं उसको देखते हुए। तो अभी तक अगर 66वीं बीपीएससी को आप छोड़ दें, जिसका कि पेपर लीक था, आंसर वायरल था, जिसके वजह से 108 कटअप गया था, अगर उसको आप छोड़ देते हैं 66वीं को, तो अभी तक बीपीएससी के इतिहास में 66वीं को छोड़ दें तो अभी तक बीपीएससी के इतिहास में 100 से ऊपर कटअप कभी नहीं गया है। एक बार गया था, लेकिन फिर दोबारा जब रिजल्ट संशोधित किया गया तो 100 ही चलाया था कटअप। तो इसलिए मैंने कहा कि 100 से ऊपर कटअप आज तक कभी नहीं गया, सिर्फ 66वीं में गया था, वो भी उसका आंसर वायरल था इसलिए गया था। और इससे इजी क्वेश्चन भी रहा है, इस बार जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है तो इससे बहुत इजी क्वेश्चन रहा है। उसमें गया है कटअप 97, 98, 56 से 59वीं में तो सभी लोग बोल रहे थे कि 100 के पार कटअप चला जाएगा। 56 से 59वीं की भी बात कर रहा हूँ, कितना कटअप गया था 56 से 59वीं में, आप लोग याद कीजिए, देख लीजिए, अभी भी आप देख सकते हैं, 87 जनरल का कटअप गया था। लेकिन 67वीं का कटअप उतना कम तो नहीं जाएगा, 100 के आसपास जरूर रहेगा। 67वीं पीटी का कटअप 100 के आसपास रहेगा, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, 100 के आसपास ही कटअप रहेगा जनरल कैटेगरी में, यानी अनरिजर्व मेल का मैं बता रहा हूँ। तो इसी अनुसार आप अपने कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप होइएगा, पिछला कटअप देख के, पिछली परीक्षाओं का कटअप देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व मेल कैटेगरी से कितना कम रहता है ईडब्ल्यूएस में या ईडब्ल्यूएस फीमेल में, बीसी में, ईबीसी में, फिर फीमेल में कितना कितना कम रहता है कटअप, आप पिछले कटअप को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100, मैं जनरल का बता रहा हूँ, जनरल यानी अनरिजर्व मेल का कटअप 100 के आसपास, 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, यही रहना चाहिए, एक अंदाज़ा हम लगा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही कटअप होगा, लेकिन एक अनुमान हम लगा रहे हैं जैसा क्वेश्चन का लेवल था उसको देखते हुए कि 100 के आसपास कटअप रह सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा कटअप। जो लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो आंसर आने के बाद पता चलता है कि कितना ईजी था। ईजी क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग गलती करके चले आते हैं, ऑप्शन गलती रंग जाते हैं, क्वेश्चन में ठीक सही लगाते हैं और ओएमआर शीट पे गलत ऑप्शन रंग के चले आते हैं, तो ये घटना सबके साथ होती है, अधिकतर लोगों के साथ होती है इस तरह की घटना। तो आप ये ना समझे जैसे इकोनॉमी से क्वेश्चन था, वो सब कुछ डाटा था जो 2018-19 का पूछा हुआ था, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ थे जिनका आंसर बहुत लोगों ने तुक्का मारा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 100 के आसपास ही कटअप रहना चाहिए। तो आप 10 तरह का यूट्यूब चैनल देखना छोड़िए, इधर उधर की खबरें देखना छोड़िए, और जिनका भी 100 के आसपास 2-3 नंबर ज़्यादा कम हो, जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ मेल का, और इसी अनुसार आप अपने अपने कैटेगरी में देख लीजिए, अगर उस अनुसार आपका मार्क्स आ रहा है बीपीएससी के आंसर की से, तो आप निश्चित रूप से मेंस की तैयारी कीजिए। आप इधर उधर समय बर्बाद मत कीजिए कि कितना कटअप जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। मान लीजिए जब रिजल्ट जारी होगा 15 नवंबर को
और आपका रिजल्ट हो जाएगा पीटी में, तो फिर उसके बाद आप तब तैयारी शुरू कीजिएगा क्या मेंस का, क्योंकि उसके बाद तो आपको एक महीना कुछ दिन समय रहेगा, मुश्किल से 40-45 दिन समय रहेगा आपको, तो उस समय में आप हड़बड़ी हो जाएगी मेंस की तैयारी करने में। लेकिन अगर अभी से आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपका नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपका पीटी नहीं ही होता है तो आपको क्या नुकसान उससे हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर आपका पीटी हो गया तब आपको नुकसान होगा, कि जो समय आप कटअप खेलने में बिता रहे हैं, जो समय आपका कटअप खेलने में बर्बाद हो रहा है, वो समय लौट के नहीं आएगा फिर। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। यूट्यूबर है, उनका काम है, क्योंकि उनको तो और कोई काम है नहीं, उनको तो व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो 10 तरह की खबर चलाएंगे, भर्ती में कटअप को लेकर 10 बार वीडियो डालेंगे, उनका तो व्यूज जाएगा, पैसा आएगा, आपको क्या आएगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो इस तरह की खबरें आप देखना छोड़ दीजिए। जो लोग भी तरह तरह की कटअप बता रहे हैं, ऐसी खबरों से आप परहेज कीजिए, मत देखिए इस तरह का कटअप, और मेंस की तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम इस बार है, और सचिवालय सहायक की भी परीक्षा है 26-27 नवंबर को, तो आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, तैयारी में लगिए। कटअप कितना जाएगा इस फेरा में मत पढ़िए। आपको मैंने कह दिया कि 100 के आसपास, 2-3 नंबर कम या ज़्यादा, इसी के रेंज में जनरल मेल का रह सकता है, तो इसी अनुसार आप अपने अपने कैटेगरी का देख लीजिए और तैयारी कीजिए आप मेंस का। अगर आपका इससे बहुत कम आ रहा है मार्क्स, तो फिर आप अन्य परीक्षा जैसे सचिवालय सहायक का भरे हैं तो उसका तैयारी कीजिए, या 68वीं पीटी का फॉर्म आने वाला है तो उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि 68वीं का भी 8 जनवरी को पीटी परीक्षा होगी ही, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। और दूसरी तरफ 68वीं पीटी परीक्षा में पैटर्न चेंजिंग को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही है, तो इसमें भी क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। जब कुछ होना होगा अखबारों में आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम लोग देखेंगे क्या चेंजिंग हुआ है नहीं हुआ है। अभी से क्यों आप लोग अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, 2018 से हम लोग सुनते आ रहे हैं, अखबारों के पन्नों पे छपते आ रहा है 2018 से कि सीसेट लागू होगा बीपीएससी में, तो ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग तरह तरह का यूट्यूब चैनल देखना छोड़िए, जब जो होना होगा देख लेंगे हम लोग। जैसे परसेंटाइल आना था, परसेंटाइल और 2 शिफ्ट की में परीक्षा की बात थी, क्या किसी ने इस बात का जिक्र किया कभी कि परसेंटाइल व्यवस्था लाई जाएगी या 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा? बीपीएससी के अध्यक्ष ने अचानक से आके घोषणा किया था। तो जब चेंजिंग क्या होगा ये बीपीएससी के चेयरमैन बता देंगे कि क्या चेंजिंग आएगा, तब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे ना। अभी सिर्फ एक लाइन में वो बोला कि कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो उसको लेकर तरह तरह की बातें यूट्यूबर और कुछ शिक्षक चला रहे हैं, 10 तरह की बातें कि सीसेट आएगा तो ये होगा, तो निगेटिव आएगा तो वो होगा। जो बीपीएससी एक जीएस का एक पेपर कराने में जिसका हालत खराब हो जा रहा है वो सीसेट लाएगा क्या? और सीसेट यूपीएससी में जब लाया गया तो उसका विरोध हुआ, अभी भी विरोध हो रहा है, तो बीपीएससी क्या सीसेट लाएगी? मुझे तो नहीं लगता है सीसेट लाने वाला है। कुछ चेंजिंग अगर इस तरह का होगा भी तो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े अचानक से सूत के उठ के ला देंगे लागू हो जाएगा, हम लोग मर गए हैं क्या? परसेंटाइल लाए तो वापस लेना पड़ा ना। तो इस तरह से कोई भी ऐसा कदम जो छात्र हित में नहीं होगा, अगर बीपीएससी लाएगी तो उसको वापस लेना होगा। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए और 10 तरह का यूट्यूब देखना बंद कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो वैकेंसी है सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी है, 26-27 तारीख को एग्जाम है उसकी आप लोग भरे हैं फॉर्म, तो उसका तैयारी कीजिए। जिनका कटअप के आसपास आ रहा है मार्क्स, तो मेंस की तैयारी कीजिए 67वीं का। जिनका मान लीजिए बहुत कम मार्क्स आ रहा है तो 68वीं पीटी का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 68वीं पीटी का वैकेंसी आने वाला है अक्टूबर लास्ट तक, और 8 जनवरी को उसकी पीटी परीक्षा है, तो पहले से डेट आपको दे दिया गया है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। 10 तरह का यूट्यूब चैनल देखना बंद कीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए और तैयारी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि कट ऑफ 100 के आसपास रहेगा, आज तक 66वीं को छोड़ दे तो कभी भी कट ऑफ 100 से ज़्यादा नहीं गया है, और 66वीं में कट ऑफ ज़्यादा रहने का कारण उन्होंने बताया। तो वही इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि किसी को भी नहीं पता कि 68वीं में क्या होगा, और कुछ भी परिवर्तन होगा तो उसके लिए कैबिनेट से पास कराना होता है। ऐसे में अफवाहों में से बचे, आप अपनी तैयारी को धार दें और बेवजह अपना समय कटऑफ को लेकर और भविष्य की परीक्षाओं को लेकर बर्बाद न करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे पहले आपको खबर यहीं मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।